नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषिन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 28th of August 2023 के बारे में। 28 अगस्त 2023 का ये दिन आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है? आज के दिन में कौन सी वैदिक रेमेडीज, क्या एंजल नंबर, क्या अफर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, साथ ही साथ किस तरह से इस दिन को बिताना है, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर मैसेज ऑफ द डे के बारे में। आज के दिन का महत्वपूर्ण संदेश आप सभी के लिए क्या है? देखिए, आप सभी को एक चीज तो पता ही होगी कि सफलता हर एक दिन मेहनत करने से ही मिलती है। सफलता एकदम से, अचानक से या फिर आराम से नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए हमें कठिन संघर्ष हमेशा करना ही पड़ता है, उसके बाद ही हम सफलता का स्वाद चख पाते हैं। तो इसीलिए आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अपने कामों में सफल होना है, अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो हमेशा कड़ी मेहनत करते रहिए। अपने आप को डेडिकेटेडली एक डायरेक्शन में लगा के रखें, फोकस रह करके अपने काम को करने की कोशिश करें, तो आप सभी को सफलता जरूर मिलेगी और डेफिनेटली आप अपने गोल्स को अचीव जरूर कर पाएंगे। सो आज से ही तैयार हो जाइए, सितंबर का महीना बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और सितंबर के महीने में कौन कौन से गोल अचीव करने हैं जल्दी से नोट कर लीजिएगा आज पेपर पे, ताकि आप सभी अपने आप को प्रिपेयर कर पाए उस मेहनत को करने के लिए। एंड डेफिनेटली अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम जरूर चुमेगी। अब बात कर लेते हैं यहां पर आज के दिन में क्या रहेगा गोल्डन विश टाइम। देखिए, सोमवार का दिन है और बहुत ही ज्यादा पावन और पवित्र दिन है, और आज के दिन में वैसे तो पूरा ही दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बट फिर भी यहां पर देखा जाए तो सुबह 11 बजे से लेकर के 12:30 तक का समय, 11 to 12:30, बहुत ही ज्यादा अच्छा समय रहेगा। इस समय में आप अपने भविष्य की योजनाओं पर काम करिएगा, आप सभी को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, आप इस समय का चयन कर सकते हैं। ये समय आपकी सफलता के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर आज के दिन में कौन सा एंजल नंबर आपके लिए काफी ज्यादा खास रहने वाला है। आज के दिन का जो एंजल नंबर है, ये भी आपकी सक्सेस की कहानी लिखने में आपकी मदद करता हुआ नजर आएगा। नोट कर लीजिएगा प्लीज, आज का एंजल नंबर 6215, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत पॉजिटिव नंबर है, और आज इस नंबर को कम से कम 21 बार रिकॉल करिएगा। इससे आप सभी का काम आसानी से बनेगा और रुके हुए काम या बिगड़े हुए काम भी बनते हुए नजर आएंगे, इस तरह के योग आपके जरूर बनेंगे। देखिए, आज सोमवार का दिन है और प्रदोष का व्रत भी है, सोम प्रदोष व्रत, सावन का आखिरी सोमवार। सावन के आखिरी सोमवार को अच्छा बनाने के लिए और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप सभी को कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने हैं, उसका एक वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बना करके दे दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको कल के दिन की, ये जो सोमवार का दिन आ रहा है, इसकी महत्वता पता चलेगी और आपको पता चलेगा कि इस दिन से आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। सो यहां पर आप सभी के लिए दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है। पहली चीज, मन में गलत भावनाएं मत आने दीजिएगा, किसी भी तरह की नेगेटिविटी अपने दिमाग में मत आने दीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पैसों के लेन देन में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, किसी को भी उधार देने से पहले दो बार सोचिएगा और पैसा ऐसे ही वेस्ट करने से पहले दो बार सोचिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आज के दिन में आप सभी को प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें बहुत अच्छी मिल सकती हैं, मतलब कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करने हैं आप डेफिनेटली कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिल जाएंगे। और कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई इश्यू, कोई परेशानी नहीं है। कहीं ट्रैवल करने जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ट्रैवल भी आपका काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। अपने कामों को बनाने के लिए और अपने दिन को आसान करने के लिए कौन सा अफर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, नोट कर लीजिएगा प्लीज। आज का अफर्मेशन, एवरी डे आई एम गेटिंग क्लोजर टू रीचिंग माई गोल्स, एवरी डे आई एम गेटिंग क्लोजर टू रीचिंग माई गोल्स। ये आपको बोलना है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और ज्यादा नजदीक जाते जा रहे हैं और बहुत जल्दी आप अपने गोल्स को, अपने जो एम्स आपने डिसाइड कर रखे हैं, उसको कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। आज अगर आपका जन्मदिन है, आपकी एनिवर्सरी है, आपके जीवन का कोई भी विशेष महत्वपूर्ण दिन है, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आप सभी के लिए कई तरह के मौके लेकर के आ रहा है, कई तरह की खुशियां लेकर के आ रहा है। आने वाले साल में आप सभी को फाइनेंशियली अपने आप को इंप्रूव करने की
काफी ज्यादा मदद मिलते हुए नजर आएगी, बहुत सारे नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे इस तरह के योग आपके दिखाई देते हैं। साथ ही साथ आने वाले साल में फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, नया प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपकी कुंडली में भी इतने अच्छे योग बनने चाहिए। दिन तो बहुत अच्छा है, दिन की कैलकुलेशन अकॉर्डिंग आने वाला साल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बट आपकी कुंडली भी अपना एक रोल प्ले जरूर करेगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी का आने वाला साल बहुत ज्यादा अच्छा जाए। अब बात कर लेते हैं यहां पर वैदिक रेमेडीज के बारे में। कौन कौन सी वैदिक रेमेडीज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी, जिससे कि आप सभी का ये दिन और ज्यादा आसान होता हुआ नजर आएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा, सोमवार का दिन है और सावन का आखिरी सोमवार है और प्रदोष व्रत का भी दिन है, तो इसीलिए जो वैदिक रेमेडीज मैंने ऑलरेडी बताई है वो तो आप कर ही लीजिएगा उस वीडियो से देख करके। इस दिन को और स्पेशल बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें जरूर कर लीजिएगा। पहली चीज, आज अपने माथे पर चंदन का टीका जरूर लगा दीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका काम आसानी से बनता हुआ नजर आएगा और मन में एक पॉजिटिविटी का वास मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज के दिन में आप सभी कोशिश करें कि चावल, कच्चे चावल स्पेशली, और काले तिल, कच्चे चावल और काले तिल को मिला दीजिएगा और उसके बाद अपने हाथ से, या अगर कोई व्यक्ति घर में बीमार है या कोई व्यक्ति घर में बहुत ज्यादा परेशान है उसके हाथ से आप इसको दान करवा दीजिएगा, डोनेट करवा दीजिएगा। इससे भी आपकी परेशानियां दूर होंगी और काम आसानी से बनते हुए नजर आएंगे। आज के दिन में अगर मौका मिल जाए तो गाय को रोटी जरूर खिला दीजिएगा। गाय को रोटी खिलाते समय आप रोटी पर घी और चीनी डाल दीजिएगा, उसके बाद आप उस रोटी को गाय को खिला दीजिएगा। इससे भी आप सभी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, मान सम्मान बढ़ते हुए नजर आएगा और रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप गाय को रोटी नहीं खिला सकते और मछलियों को दाना खिला दें या फिर कुत्ते को कुछ खाने के लिए दे दें तो भी चल जाएगा, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। आज के दिन में पेड़ पौधों को अपने हाथ से पानी जरूर दें, सुबह सुबह के समय थोड़ा थोड़ा सा पानी अपने घर में जो भी पेड़ पौधे हैं उसमें जरूर डालिएगा, उससे एक फ्रेशनेस मिलेगी और दिन काफी ज्यादा सकारात्मक होते हुए नजर आएगा। किसी विशेष कार्य से अगर आपको बाहर जाना है तो आज के दिन में कोशिश करिएगा कि आप व्हाइट कलर और व्हाइट और येलो का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं या फिर व्हाइट एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। सो ओवरऑल दिन बहुत अच्छा है, इस दिन का पूरा पूरा फायदा उठाइए और इस दिन को अच्छा करने का हर संभव प्रयास जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।